आप सभी का आयुर भास्कर ऐप में स्वागत है। हम एक नई एमसीक्यू की सीरीज़ लेके आए हैं और पिछले दिनों से कुछ जारी नहीं हो रहा था, कुछ नई एमसीक्यूज़ नहीं पढ़ रही थी, लेकिन अब कंटिन्यू आगे पढ़ती रहेंगी। ये यूपी SSSC होम्योपैथिक फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट 2024 मेन एग्ज़ाम के लिए कुछ एमसीक्यूज़ आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। आज उसी एमसीक्यूज़ के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। रिकॉग्नाइज्ड होम्यो फार्माकोपिया वाज, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे फार्माकोपिया की, तो सबसे पहले जो फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड होम्योपैथिक फार्माकोपिया थी वो फार्माकोपिया थी, नॉट होम्योपैथिक फार्माकोपिया, फार्माकोपिया थी, वो थी डिस्पेंटेरियम ऑफ वेलिनियस कॉर्डस फर्स्ट एडिशन 1546 में, ठीक है, ये सबसे पहली थी, ठीक। तो फर्स्ट रिकॉग्नाइज फार्माकोपिया वाज डिस्पेंटेरियम ऑफ वेलिनियस कॉर्डस फर्स्ट एडिशन 1546। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया में जाएंगे तो वहां पे आपको ये चीजें मिलेंगी, ठीक है। होम्योपैथिक फार्माकोपिया एंड पोसोलॉजी पब्लिश्ड इन ईयर, न्यू होम्योपैथिक फार्माकोपिया एंड पोसोलॉजी पब्लिश्ड इन ईयर 1850, ये भी आप जाएंगे हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया में तो आपको ये देखने को मिलेगा, न्यू होम्योपैथिक फार्माकोपिया एंड पोसोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे होम्योपैथिक फार्माकोपिया के साथ साथ पोसोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ डोज के बारे में भी इंडिकेशन था, ये पब्लिश हुआ था 1850 में। द अमेरिकन होम्योपैथिक डिस्पेंटरी पब्लिश्ड इन, द अमेरिकन होम्योपैथिक डिस्पेंटरी पब्लिश्ड इन 1884, ठीक है। ये आप जब जाएंगे हिस्ट्री में ही जब जाएंगे फार्माकोपिया में तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, जिनके पास बुक होंगी वो बुक से, और नहीं तो जो ये हम बता रहे हैं इसको आप एक बार नोट्स बना लीजिएगा या इसको आप कहीं राउट डाउन कर लीजिएगा। द अमेरिकन होम्योपैथिक डिस्पेंटरी पब्लिश्ड इन 1884। हाउ मेनी ड्रग्स इन अमेरिकन होम्योपैथिक डिस्पेंटरी फार्माकोपिया, हाउ मेनी ड्रग्स, कितने ड्रग्स अमेरिकन होम्योपैथिक डिस्पेंटरी फार्माकोपिया में दिए गए हैं, बताए गए हैं, हैं 871। हाउ मेनी ड्रग्स इन अमेरिकन होम्योपैथिक डिस्पेंटरी फार्माकोपिया 871, ये आपको हिस्ट्री में मिलता जाएगा, बुक है, ये फार्माकोपिया लिखा हुआ है ना, अमेरिकन होम्योपैथिक डिस्पेंटरी फार्माकोपिया, ठीक है। होम्योपैथिक डिस्पेंटरी, ये अमेरिकन होम्योपैथिक डिस्पेंटरी, तो होम्योपैथिक डिस्पेंटरी ये एक फार्माकोपिया है, फार्माकोपिया अपने में एक ऑथोरिटेटिव बुक है, ठीक है। अब हमने उधर पढ़ा था कि वो या तो ऑफिशियल हो सकता है या अनऑफिशियल हो सकता है। ठीक है, होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी गाजियाबाद HPL वाज सेटअप इन ईयर, ठीक है। होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी गाजियाबाद HPL वाज सेटअप इन द ईयर सेप्टेम्बर 1975, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये पहला लेबोरेटरी था होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी जो कि गाजियाबाद में सेटअप हुआ 1975 में, ठीक है। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे। पेंटोसेस बुक रिटेन बाय, ये एक क्या है, चाइनीज मटेरिया मेडिका है। पेंटोसेस क्या है, एक चाइनीज मटेरिया मेडिका है, किसने इसको लिखा था, सेन नुंग, ठीक है। सेन नुंग, ये एक चाइनीज, पेंटोसेस क्या है, चाइनीज मटेरिया मेडिका है, चाइनीज मटेरिया मेडिका, ठीक है, चाइनीज मटेरिया मेडिका है ये। अब ये पूछ रहे हैं कि आप हम
इंडिया को के चाइनीज मटेरियल मेडिका क्यों पढ़ रहे हैं या क्यों जान रहे हैं, तो भैया आपको एग्ज़ाम देना है, वहाँ क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे ये कहना मुश्किल है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं और आपको कवर करने की कोशिश की जा रही हैं, तो पेंटोस बुक रिटन बाई सेन नुंग, ये एक चाइनीज थे और ये चाइनीज मटेरिया मेडिका है। डॉक्टर काउंट सीजर मैटी एन इटालियन हर्बलिस्ट डिस्कवर, द काउंट सीजर मैटी एक क्या थे, इटालियन बॉटनिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने क्या खोज किया था, नैनोपैथी, टेटोपैथी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी, ऑल ऑफ दीज, इलेक्ट्रो होम्योपैथी। आपके अगल बगल में बहुत लोग इसकी प्रैक्टिस करते मिल जाएंगे। तो डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जो है इसके फाउंडर थे, ठीक है, फाउंडर, इसके खोजकर्ता किसके, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के, काउंट सीजर मैटी फाउंडर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी। आर्निका मोंटाना प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट, आर्निका मोंटाना एक अच्छी रेमेडी है, जनरली हर घरों में यूज होता है कि बच्चे, छोटे बच्चे गिर जाते हैं तो आर्निका ले आके खिला दो, ठीक है, ये क्या करता है, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। तो आर्निका मोंटाना होल प्लांट इंक्लूडिंग रूट, इसमें होल प्लांट इंक्लूडिंग रूट होगा। होल प्लांट इंक्लूडिंग रूट, ठीक है, रूट पूरा प्लांट से तो लेते ही लेते हैं, उसके साथ रूट से लेते हैं, रूट भी लेते हैं इसमें। आर्निका मोंटाना पूरे प्लांट के साथ साथ रूट को भी लेके मेडिसिन बनाते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट आंसर हमारा, जाता है होल प्लांट इंक्लूडिंग रूट, आर्निका मोंटाना। मेडिसिन प्रिपेयर्ड फ्रॉम हैंगिंग एरियल रूट, ठीक है, आप देखें है ना बरगद, तो उसमें वो लटका रहता है जड़, उसको हैंगिंग एरियल रूट कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल हमारा जाता है, फिकस, मतलब हैंगिंग एरियल रूट से जो दवाई बनाई जाती है उसका नाम क्या है, तो ये हमारा ऑप्शन जाता है फिकस इंडिका। वो मेडिसिन है जो कि हैंगिंग एरियल रूट से बनती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, एलियम सिपा एंड सटाइबम प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, एलियम सिपा और सटाइवा, सिप्पा ये गलत है, ओ के जगह पे ई रहेगा, एलियम सिप्पा एंड सटाइबम, एलियम सिप्पा का मतलब प्याज और सटाइबम का मतलब लहसुन, तो ये किससे बनता है, बल्ब से, ठीक है, हमने पढ़ा था ना जब कलेक्शन सोर्सेज आप होम्योपैथिक डग में वेजिटेबल किंगडम में देख रहे थे, तो मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम लीव्स रूट, ठीक है, ये तमाम चीज़ें, बल्ब ट्यूबर, तो ये जो सिपा और सटाइबा है, मतलब प्याज और लहसुन से जो दवाइयाँ बनती हैं, वो जो बल्ब होता है, ठीक है, उस बल्ब से बनती हैं, ठीक है। तो ये जो मेडिसिन बनती है सिपा एंड सटाइबा प्लांट के किस पार्ट से, तो बल्ब का जो पार्ट होता है, जो प्लांट का बल्ब वाला पार्ट होता है, उससे ये मेडिसिन प्रिपेयर होती है। एसाफोटिडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम, एसाफोटिडा इसको हिंदी में बोलते हैं, एसाफोटिडा को हिंदी में बोलते हैं हींग, इसको बोलते हैं हींग, सब लोग के घरों में हींग यूज होता है, ठीक है। तो गम रेजिन, रेजिन जूस, ऑल ऑफ दीज, तो ये क्या होता है, गम रेजिन, जो पहले हींग आता था वो कितना टफ रहता था, गमी रहता था, तो गम रेजिन। एसाफोटिडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम, मतलब हींग किससे बनती है, तो गम रेजिनस जो पार्ट होता है उससे बनती है हींग। अरानिया डायडामा प्रिपेयर्ड फ्रॉम, अरानिया डायडामा ये एक स्पाइडर ग्रुप है,
ठीक है, एरानिया डायडमा एक स्पाइडर ग्रुप है, इसके अलावा इसका स्पाइडर ग्रुप में भी और मेडिसिन है, ठीक है, टेरेंटुला सी, टेरेंटुला एच, ठीक है। स्पाइडर ग्रुप से बनने वाली मेडिसिन है एरानिया डायडमा, एरानिया डायडमा जो है स्पाइडर ग्रुप से बनने वाली मेडिसिन है, स्पाइडर ग्रुप, ठीक है। नहीं ये लेग ग्रुप में आती है, नहीं ड्राइड में, नहीं स्कॉर्पियन में, ये किस में आती है, एरानिया डायडमा आती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, विच मेडिसिन प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्केलेटन, होल स्केलेटन से जो मेडिसिन बनती है। बुक में सबसे पहले एक ही एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है और वो एग्जाम्पल है आपका स्पॉन्जिया टोस्टा, स्पॉन्जिया स्पॉन्जिया टोस्टा, ये स्केलेटन से बनने वाली मेडिसिन है, ठीक है, ये स्केलेटन से बनने वाली है। स्केलेटन का मतलब ढांचा, बाहरी बनावट, जैसे ह्यूमन स्केलेटन होता है, तो वैसे ही स्पॉन्जिया टोस्टा जो है स्केलेटन से बनने वाली मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करें, नोसोड, नोसोड प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिजीज्ड प्लांट, ठीक है, नोसोड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिजीज प्लांट, कौन से डिजीज प्लांट से ये नोसोड, ये जितनी जो ये दी गई है ये किस डिजीज प्लांट से इसमें से नोसोड्स प्राप्त होता है, ठीक है, नोसोड्स प्रिपेयर फ्रॉम डिजीज प्लांट, एगेरिकस डिजीज प्लांट से, कि सिकलकार से, कि एस्टिलागोमाइडिस से, कि सबसे, तो ये सब में नोसोड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो एगेरिकस से भी, सिकलकार से भी और एस्टिलागो से, ये चारों में नोसोड्स ग्रुप की मेडिसिन है, तो ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर जाएगा, ऑल ऑफ दीज से हम नोसोड्स प्रिपेयर करते हैं। मतलब एगेरिकस एम भी नोसोड्स ग्रुप की मेडिसिन है, सिकलकार भी नोसोड्स है, अस्टलागो भी नोसोड्स है, तो नोसोड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिजीज प्लांट, तो एगेरिकस, सिकलकार, अस्टलागो, मतलब आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज, इन चारों से नोसोड्स मिलता है, नोसोड्स की मेडिसिन हम बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सोल एंड ल्यूना मेडिसिन प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच सोर्स, सोल एंड ल्यूना, सोल और ल्यूना, नेचुरल, आर्टिफिशियल, टोटोपैथी, ऑल ऑफ दीज, हमने ये बताया था ना, इम्पोंड्रोबिलिया ग्रुप में आती है ये जो आती है सोल एंड ल्यूना, ये किस ग्रुप की मेडिसिन है, सोल एंड ल्यूना, ये है इम्पोंड्रोबिलिया, इम्पोंड्रोबिलिया मतलब फिजिकल एनर्जी, फिजिकल सोर्स से बनने वाली मेडिसिन, इसमें दो होता है, ठीक है, इम्पोंड्रोबिलिया एक आर्टिफिशियल होता है, एक नेचुरल होता है, ये जो सोल और मूना है, लूना है, ठीक है, सोल और लूना जो है ये नेचुरल है, नेचुरल सोर्स से बनने वाली मेडिसिन्स हैं सोल और लूना। हमारे ऐप आयुर्भास्कर ऐप पे डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं, बहुत से बच्चों ने हमारे क्लासेस को ज्वाइन किया है, आप सब भी जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस क्लासेस को ज्वाइन करें ताकि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सकें, ठीक है। ऐसे ही हमारे एमसीक्यूज की सीरीज चलती रहेगी, आप ज्वाइन करिए और इसका फ़ायदा उठाइए। थैंक यू।